मौसी। अरे नंदिनी। हाँ बिटिया। राधा। बस बस बस, नंदिनी आ गई। जा अली अली, ये कौन है पुलिस वाली? पुलिस वाली नहीं नानी, इंस्पेक्टर। मेरे पास तो गन भी है। तो लग रहा अपनी नानी को मारोगी तो नहीं? अभी अभी जिद करके लिया है इसने। अच्छा? और मजाले कोई उतरवा दे। कैसी हो राधा? ठीक हो जीजी। पानी। नंदिनी तू अंदर जाके हाथ मुंह धो ले, सफर से थक गई होगी। इसकी मैं धुला दूंगी। और राधा ये कमरे की खिड़कियां बंद कर दे। तुम्हें पता है अन्नु, यही समय होता है दुश्मनों का घर में घुसने का। पर कौन से दुश्मन नानी? मच्छर, जो मलेरिया जैसी बीमारी फैलाते हैं। नानी तुम घबराना मत, मेरे पास बंदूक है ना। हाँ पर नानी ये मच्छर मलेरिया कहाँ से फैलाते हैं? जब ये मच्छर किसी ऐसे आदमी को काटता है जिसे मलेरिया हो, फिर वही मच्छर किसी दूसरे आदमी को काटता है तो दूसरे आदमी को भी मलेरिया हो जाता है, और इसी तरह से ये मलेरिया का चक्कर बढ़ता है। बस इसी चक्र को हमें तोड़ना है। बोलो हो तैयार? हाँ नानी। अनु तुमने अपनी मम्मी की तरह नए वाले कपड़े क्यों नहीं पहने, लंबे बाजू वाले जो नानी लाई थी आपके लिए? नहीं मैं अपने पलेजर्स नहीं बदलूंगी। पर बेटा हमें मच्छरों से लड़ाई तो करनी है ना? हम्म, पूरी बाजू के कपड़े पहने हो तो मच्छर हाथों पर नहीं काट सकते। नहीं मैं नहीं डरती मच्छरों से। रहने दीजिए ना मौसी, वैसे भी मच्छरदानी के अंदर ही तो सोने वाली है, कल बदलवा देंगे, अब आप भी सो जाइए। नहीं नानी पहले मुझे कहानी सुना। कहानी? सो गई। अब आप भी सो जाइए मौसी। वैसे एक बात कहूँ मौसी, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था खुले आसमान के नीचे सोने का, आंगन में। ये क्या कह रही है बेटी तू? देख तू पेट से है और इस समय तेरे लिए मलेरिया से इकलौता बचाव है ये कीटनाशक मच्छरदानी। कहीं तुझे मलेरिया हो गया तो क्या क्या हो सकता है जानती है तू? तुझ में खून की कमी हो सकती है, तेरा बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि गर्भवती औरत को मलेरिया हो जाए तो उसका बच्चा गिर भी सकता है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तूने सब कुछ बड़ी सावधानी से किया है। चल अब सो जा। तुम मुझे जरा ये बताओ कि गर्भवती औरत को मलेरिया से क्या खतरे होते हैं? एक, माँ में खून की कमी हो सकती है। दो, बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है। तीन, बच्चा गिर भी सकता है। चार, माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। सही जवाब है, मलेरिया गर्भवती औरतों के लिए खतरनाक हो सकता है। माँ में खून की कमी हो सकती है, उसका बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चा गिर भी सकता है और माँ की जान को खतरा हो सकता है।